वेलकम टू साव कुकिंग चैनल में सबको स्वागत है। दोस्तों आज बनाऊंगा बहुत बेहतरीन रेसिपी, आप लोग का मन पसंद का रेसिपी, चिकन महारानी। चलिए दोस्तों बनाने को स्टार्ट करते हैं देरी ना करके। प्याज लिया 500 ग्राम तो इसको पहले फ्राई करेंगे चूल्हा में जाके। मैं आज उल्ली में बड़ा हंडी में, तो हंडी में बनाना चाहिए, ठीक है। इसमें पहले डालूंगा ज़्यादा ऑयल, इसका बाद में डालूंगा दोस्तों में 50 ग्राम तक घी लिया, इसका बाद में डालूंगा खड़ा मसाला मतलब लौंग, दालचीनी, इलायची, तेजपत्ता। बिरयानी अल्लाह वो बोल चाहते बिरयानी करता। इसका बाद में डालूंगा काटा हुआ बारीक कटी मैश ऑनियन, इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगा। स्लो फायर में फ्राई करके पूरा ब्राउन कलर होने चाहिए, काला नहीं होना चाहिए। और एक बार जो फ्राई हुआ तो ब्राउन कलर होना चाहिए प्याज, आप लोग चाहे फुल पावर में फ्राई कर सकते हैं, जो नहीं मालूम होगा कर नहीं सकेगा स्लो फायर में फ्राई करिए, ज़्यादा टाइम लगेगा। जितना प्याज डालो, प्याज में थोका भाजी है तो इतना डालो उतना ही हो जाता है, ये कोई बात नहीं डालेंगे। ब्राउन कलर होने आया दोस्तों, प्याज ब्राउन कलर हो गया। अदरक लहसुन पेस्ट लिया 50 ग्राम तक, जब तक कच्चापन नहीं जाता तब तक फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन कच्चापन जाना चाहिए। मैं बड़ा बड़ा बिरयानी का पीस का जैसे लिया, आप लोग जैसे छोटा चिकन में बना सकते, मैं बड़ा पीस में बना रहा हूँ, तो ऐसे तो बड़ा चिकन में बनाना चाहिए। तो मैं एक लगभग 1 किलो को तक लिया, इसमें कुछ नमक हल्दी मसाला कुछ भी नहीं डालने चाहिए, तो इसी का साथ पकाना चाहिए, बाद में मसाला आएगा। पूरा डाल दिया, मिक्स करें, थोड़े से नमक डाल देंगे चिकन का था, तो पूरा झुनझुन लग जाएगा। 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून इसके बाद में लेना तीखा मिर्ची पाउडर, इसके बाद में कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटा हुआ जीरे, इसके बाद में चिकन किंग मसाला, इसका बाद में थोड़ी हल्का सा नमक, इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करूँगा दोस्तों। दोस्तों अभी 1 कप दही डालूंगा, अच्छी तरह से मिक्स करूंगा, देखिए पकाम। जैसे मटन का बनाते हैं मैं चिकन का बना कर, अभी तक कोई भी चिकन का बना कर नहीं देखा है, मैं बना रहा हूँ चिकन का,
तो देखिए आप लोग चाहिए अच्छी तरह से पीस को अच्छी तरह से धो के बड़ा बड़ा पीस बनाएं। रेस्टू में मैंने डालिए, कस्टमर साफ करिए, कस्टमर खा के बता रहे आप लोग सुनिए, बहुत मेरा मतलब बहुत बेहतर रहेगा। नान रोटी इसका मतलब गरम चावल का संग आप लोग ले सकते हैं। ज़्यादा से ऐसे थोड़ा पानी एक कप डालेंगे, इसको अच्छी तरह से बाटेंगे, सब बसा टाइप रहेगा, अच्छे रहेगा। ढक्कन डाल देंगे 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के बाद निकल गए। दोस्तों ढक्कन खोलूँगा, ज़बरदस्त खुशी हुई दोस्तों, बहुत बेहतर खुशी हुई। ऑलरेडी चिकन गल गया, देखिए चिकन पूरा पक गया। अभी चूल्हा बंद करेंगे, आप लोग को स्मोक करके देखा, ऊपर से थोड़ा धनिया हरा धनिया मारने का रहेगा, मार देते हैं, हरा धनिया मार दिया, ऊपर आ गया। पूरी साफ करिए, घर में वो बना खाइए चिकन महाराजा रेसिपी। तो चूल्हा बंद करते हैं, उसमें डालेंगे अच्छी तरह से साफ करो। पहले डालो चिकन, और एक लेके ऊपर से मसाला पूरा डालेंगे। दोस्तों रेसिपी पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे को शेयर कर दे। तब तक बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरा रेसिपी लेकर।